गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो अभी जो हमने पढ़ना है वो मैंने तो वैसे तो आपको करवाया था पहले भी, ठीक है, लेकिन मैं दोबारा आपके लिए रिपीट कर रही हूँ जिन बच्चों का लेक्चर स्किप कर गया था। ठीक है, तो हम लोग दोबारा आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का करते हैं। आपका सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसमें आपका टॉपिक है जो मैंने सेकंड यूनिट स्टार्ट करवाया आपको, उसमें आपका जो टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वो हम लोग करते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो उसमें जो भी मैंने आपको पहले करवाया है उसमें स्टार्टिंग जैसे भी हमने की है, ठीक है, कुछ बच्चों ने नहीं समझी उस टाइम पर तो मैं उनके लिए रिपीट कर रही हूँ। बच्चे जो आप ये देख रहे हो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर एज इट इज़ सेम एज इट इज़ आप लोगों ने ऐसे ही बनाना है। ठीक है, अभी हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या, जब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, हम लोग खाना खा रहे हैं तो उसमें मतलब कह लो कि उसका मीनिंग क्या है, हम लोग मीनिंग क्या समझेंगे डाइजेस्टिव। डाइजेस्टिव का मतलब होता है पचना, जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो अंदर जाके कैसे पचता है वो चीज़ हम लोगों ने देखनी है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आएगा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो पाचन क्रिया हमारी जो होती है, अगर हिंदी में बात करूँ तो जो हमारा खाना अंदर जाके पचता है क्या होता है उसके साथ, क्या उसमें उसका मेटाबॉलिज्म कैसे वो अंदर जाके डाइजेस्ट होता है, वो हम लोग किस में पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो कुछ स्पेशल टाइप के जो ऑर्गन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या काम करती हैं, हमारे खाने को डाइजेस्ट करती हैं। ठीक है, तो फर्स्टली जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से, और उसकी एंडिंग कहाँ से होगी, एनस। ठीक है, तो बेसिकली माउथ टू एनस जो एंड स्टार्टिंग टू एंड, इसको हम लोग स्टार्टिंग और एंड वाले पॉइंट्स से लेके पूरा स्टार्टिंग, ये जो पूरा इसको हम लोग होल कह लो कि हम लोग क्या बोलेंगे इसको, एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहाँ से हो रही है, माउथ से, और एंड कहाँ पे हो रहा है इसका, एनस। तो ये आ गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसके अंदर कई ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ग्लैंड्स कौन कौन सी प्रेजेंट है, जो जो आप जैसे जैसे मैं आपको ये करवाऊंगी अपना स्ट्रक्चर, तो उसमें आपका एक फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप जो भी ग्लैंड्स आ रही हैं, जो भी ऑर्गन्स आ रहे हैं, वो मैं साथ साथ में बताती जाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है, ये माउथ से, जब भी हम लोग खाना खाते हैं स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, हम एक एक माउथ में, तो जो डाइजेशन पार्ट है, डाइजेशन है जो, वो कहाँ स्टार्टिंग कहाँ से होगी उसकी, माउथ से। ठीक है, माउथ में ऐसे कौन कौन से प्रेजेंट हैं, हमारे पार्ट्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं, स्टार्टिंग हमारे टीथ हैं। ठीक है, हमारी अंदर सलाइवा है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो हेल्प करती हैं माउथ में डाइजेशन में। ठीक है, तो माउथ क्या, माउथ का क्या काम है, ब्रेकअप्स फूड मटेरियल्स, असिस्ट्स असिस्ट इन प्रोड्यूसिंग स्पोकन लैंग्वेज। अब माउथ क्या काम करता है, हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, वो उसमें जो टीथ प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है, ठीक है, सलाइवा प्रेजेंट है, सलाइवा मींस जो थूक होता है। ठीक है, अगर किसी नॉन मेडिकल बैकग्राउंड वाले को नहीं पता तो उसके लिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं हमारी माउथ में प्रेजेंट होती हैं, ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, सलाइवा। ठीक है, तो ये माउथ में ये क्या होएगा, इनका जो हम लोग खाना खा रहे हैं वो छोटे छोटे स्मॉल पीसीज में टूटेगा। ठीक है, ब्रेकअप होएगा, ग्राइंड होएगा अच्छे से टीथ की हेल्प से, और जो हमारा सलाइवा है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये साथ में दिया हुआ है ना, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये हमारे अंदर होती हैं माउथ में प्रेजेंट। ठीक है, और ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, सलाइवा। तो सलाइवा का क्या काम है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, है ना, इसका क्या काम है, तो ये क्या करता है, जब माउथ में हमारा खाना जाता है तो क्या करता है, सलाइवा उसके साथ मिक्स होके उसको मॉइस्चर कर देगा। मॉइस्चर मतलब कि उसको नरम कर देगा। आपने आप लोगों ने देखा ही होगा, जब हम लोग खाना खाते हैं दो तीन बार चबाएंगे उसको तो एकदम से खाना बिल्कुल नरम हो जाता है, मॉइस्चर हो जाता है ना, सलाइवा मिक्स हो जाएगा बीच में और उसको क्या कर देगा सॉरी क्या कर देगा, उसको मुलायम कर देगा। ठीक है, तो जो कह लो कि जो सलाइवा है वो खाने के साथ मिक्स होके उसके साथ चिपक के लुब्रिकेट करके फूड के साथ,
तो क्या हमारे खाने को क्या करता है, वो डिजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब ये एक चीज़ प्रोड्यूस करता है अपने अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स में, अमाइलेज एंजाइम, एस किसके पीछे भी लग गया, ASEAS, उसका क्या मतलब होता है कि वो क्या है, एंजाइम, ठीक है। तो अमाइलेज एंजाइम एक होता है जो सलाइवरी ग्लैंड्स में होता है, प्रेजेंट होता है। तो उसका क्या काम है, पॉलीसेकेराइड जो हम लोग खाने में खाते हैं, हम लोग खाने में अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, ये सैकेराइड्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग सैकेराइड्स भी बोलते हैं। तो पोली मतलब सो मैनी, तो सैकेराइड्स जैसे जो हम लोग खाने में खा रहे हैं उसको क्या करता है, ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कौन सा एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम, जो हमारे किस में प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड्स में, ठीक है। ये सबसे पहले जो इसकी डाइजेशन की स्टार्टिंग होगी, है ना, बिगनिंग होगी, वो कहाँ से होगी, शुरुआत हमारी माउथ से होगी शुरुआत। अब क्या होगा कि धीरे धीरे हमारा खाना, ये फेरिक्स भी दिया हुआ है, जब हमारा जिसको हम लोग पंजाबी या हिंदी में तालू बोलते हैं ना, यहाँ पे अपना टंग होती है, ये इसलिए बताया है इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका क्या रोल है, कि जब हम हमारा खाना माउथ में जाता है तो माउथ में टीथ, टंग और फेरिक्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सारा का सारा अपना अपना योगदान देते हैं, ठीक है। उसको ग्राइंड करने में, उसको मिक्स करने में, उसको तोड़ने में, जो हम लोग खाना खा रहे हैं, बाइट खा रहे हैं खाने की, ठीक है। तो ये सब उनका रोल है। उसके बाद आता है हमारा नीचे खाना, ईसोफेगस, ठीक है। ये जो फूड पाइप होती है हमारी, जब माउथ से खाना हो गया, मुलायम हो गया, ठीक है, तो मॉइस्चर होके वो सलाइवा के साथ वो नीचे आता है थोड़ा सा, है ना। तो नीचे कैसे आएगा वो, सलाइवरी सॉरी अपना ईसोफेगस, ईसोफेगस से जब खाना नीचे आएगा तो ईसोफेगस में स्पेशल टाइप्स के मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मसल्स का क्या नाम है, एक स्पेशल टाइप के मसल्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, उसको नीचे को पुश करते हैं। जो ईसोफेगस है, जिसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं, इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड को नीचे ट्रांसपोर्ट करना, है ना। तो इसमें ऐसे तो नहीं है कि जैसे पाइप लगी होगी और वो नीचे खाना नीचे को चला गया, ऐसे नहीं होएगा कुछ भी, ठीक है। जैसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, हम लोग पाइप में कोई चीज़ फेंकते हैं और नीचे आ जाती एकदम से सीधे, तो ऐसे नहीं होगा, हमारी फूड पाइप ऐसी नहीं होती। इसमें कुछ स्पेशल टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती हैं जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मसल। तो ये मसल्स का क्या काम होता है, जैसे ये आगे की तरफ उसको पुश करेगी, ठीक है, खाने को। तो ये मसल्स, अब मसल्स जब आप लोगों ने मस्कुलर सिस्टम पढ़ा है यूनिट, तो उसमें आप लोगों ने ये पढ़ी होगी कि हर जगह तो हमारी मसल्स प्रेजेंट है, जहाँ पे इंटरनल मूवमेंट्स होती हैं, वो मूवमेंट्स कौन करवा रहा है, इंटरनल मूवमेंट्स कौन करवा रहा है, हमारी मसल्स ही होती हैं स्पेशल टाइप की, ठीक है, हर जगह पे प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में। तो ये आ गया हमारा ईसोफेगस का काम, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। देन जब खाना नीचे आया तो नीचे किस में आया, हमारे स्टमक में, ये आपको जो रेडिश कलर का दिख रहा है, ये क्या बनाया हुआ है, स्टमक जे शेप्ड का होता है ये, ठीक है। तो स्टमक का काम क्या है, जब नीचे खाना आ गया तो स्टमक में जाएगा, ठीक है। तो स्टमक का काम क्या है कि स्टमक में एक तो स्टोर होगा फूड, चर्न होगा, जो खाना ऊपर से नीचे आया फूड पाइप के थ्रू, माउथ के थ्रू, फूड पाइप के थ्रू नीचे आया, कहाँ आया, स्टमक में। तो स्टमक में एक पेप्सिन जो होता है एंजाइम, वो क्या काम करता है, पेप्सिन एंजाइम जो प्रेजेंट होता है, वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन पोर्शन, जो हमारी डाइट में जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसमें जो प्रोटीन पोर्शन होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को वो क्या करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और उसका क्या काम है, जो उसमें HCl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे स्टमक में एसिड प्रेजेंट होता है, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को, ठीक है, ये एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को और ब्रेकअप फूड, किल जर्म्स, ठीक है। तो जितने भी सपोज़ हमारे अंदर कोई खाने के साथ अगर कोई सपोज़ कोई बैक्टीरिया कोई घुस गया है, कोई ऐसा पॉइजनस चीज़ घुस गई है, तो उसको भी क्या करने में हेल्प करता है, किल करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली जो स्टमक का काम क्या है, जो ऊपर से खाना आया उसको स्टोर करना, उसमें जो प्रोटीन पोर्शन होता है उसमें हमारे स्टमक में पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो क्या काम करता है, डाइजेस्ट करता है, जो हमारे खाने में जो प्रोटीन पोर्शन आया उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। HCl एक्टिवेट करता है एंजाइम को, जो हमारा किस में प्रेजेंट होता है, स्टमक में, ठीक है। और इसमें दो तरह के
एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, ट्रिप्सिन एंड काइमेटोट्रिप्सिन। ये भी क्या किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, प्रोटीन पोर्शन, जो हमारे खाने में प्रोटीन पोर्शन प्रेजेंट होता है। ओके, तो नेक्स्ट इसमें एक चीज़ और प्रेजेंट है, अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम भी प्रेजेंट है इसमें, जो किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है, पॉलीसेकेराइड्स को। ओके, और एक लास्ट वन इसमें लिपेज, लिपेज एंजाइम प्रेजेंट है जो लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है। ये लिपिड्स, पॉलीसेकेराइड्स, ये कहाँ से आ रहे हैं, हमारे खाने में होते हैं सारे, ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसमें फैट्स भी है, लिपिड्स भी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमें किसके साथ मिल रहे हैं, डाइट के साथ। ठीक है, और ये सारे के सारे जो डाइजेस्ट हो रहे हैं वो हमारे किस में, सारा कुछ देख लो, ये सारा कुछ जो भी है ये हो रहा है हमारे स्टमक में। ओके, तो उसके बाद आ गया आपका नेक्स्ट, स्टमक में जब खाना गया उसके साथ एक ग्लैंड लगी हुई है, ये ग्रीनिश कलर की जो दिख रही है आपको, ग्रीनिश कलर की ग्लैंड है। जो ये ग्लैंड का क्या काम है, पहली ग्लैंड हमने ऊपर पढ़ी है सलाइवरी ग्लैंड, ये भी क्या एक क्या प्रोड्यूस कर रही थी, एंजाइम प्रोड्यूस कर रही थी और हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है ना, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करती है। सलाइवा का क्या काम है मैंने ऊपर बताया। अब जो ये दूसरी ग्लैंड आ गई स्टमक के साथ ग्रीनिश कलर की, ये क्या है, ये लीवर, क्या बोलते हैं इसको, लीवर। तो लीवर का क्या काम होता है, ब्रेक डाउन एंड बिल्ड अप मैनी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जितने भी हमारे फूड में बायो मॉलिक्यूल्स आए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें इनको क्या करने में हेल्प करती है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, उनको ब्रेक करने में हेल्प करती है, तोड़ने में हेल्प करती है। अब जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, तो वो उनका कह लो कि जब आपने बायो मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे बायोकेमिस्ट्री में, अब लिपिड्स के पढ़े होंगे, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि इनको तोड़ना, इनको ब्रेक डाउन करना कितना टफ़ काम होता है, इनको डाइजेस्ट करने में कितना टाइम लगता है। ऐसे ही सपोज़ अगर मैं बात करूँ तो अगर हम लोग कोई हैवी चीज़ खा लेते हैं जिसमें ज़्यादा फैट हो, है ना, तो उसको डाइजेस्ट करने में उतना ही टाइम कंज्यूम करता है हमारा जो बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो हमारी बॉडी उतना ही टाइम लेती है उसको डाइजेस्ट करने में, उसको ब्रेक डाउन करने में। ठीक है, तो ये काम कौन करता, हमारा लीवर, लीवर पोर्शन है जो, वो क्या करता है, वो हेल्प करता है जितने भी हमारे बॉडी के अंदर बायो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। बायो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, जो हैवी मॉलिक्यूल्स हैं सारे के, उनको ब्रेकअप करने में, उनको तोड़ने में, बनाने में ये क्या करती है, हेल्प करती है ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड, लीवर। ठीक है, सेकेंड इसका फंक्शन क्या है, स्टोर्स वाइटमिन एंड आयरन। जो हमारे खाने में आयरन्स मिल रहा है हमें, ठीक है, वाइटमिन्स मिल रहे हैं, उसको ये अपने अंदर स्टोर करके रखती है। ठीक है, और ये वाइटमिन्स और आयरन वगैरह ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, एसेंशियल इन ग्रोथ कह लो या हमारी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है लीवर ग्लैंड का, डिस्ट्रॉयज ऑल्ड ब्लड सेल्स। जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स, तो इन ये तो इनका आप जब पूरा पढ़ा होगा तो उसमें आपने क्या पढ़ा है कि सेल्स दोबारा बनते भी हैं, जो पुराने हो जाते हैं वो टूट मतलब डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, तो उनको डिस्ट्रॉय करने में कौन हेल्प करता है, ऑल्ड ब्लड सेल्स को, लीवर, लीवर ग्लैंड। ठीक है, हमारे जो सेल्स होते हैं दोबारा बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, ठीक है, अगर पुराने हो जाए तो वो डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। तो ये हमारे जब आप लोग ब्लड वाला चैप्टर मैं आपको करवाऊंगी तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये लीवर का काम होता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है डिस्ट्रॉय पॉइजंस। अगर हमारे खाने में या हमारी बॉडी में कहीं गलती से या कैसे भी करके कोई ऐसा पॉइजनस सब्सटेंस आ गया, एंटर कर गया या कुछ भी, है ना, तो वो उसको भी डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती है लीवर ग्लैंड। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका आ गया बाइल एसिड इन डाइजेशन। ठीक है, जो कह लो कि हमारी बॉडी में बाइल जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो वो कौन करता है, लीवर। ठीक है, बाइल जो होता है, बाइल जो बाइल की जो बाइल एक तरह का फ्लूड है, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करना, ठीक है, तो वो बाइल का क्या काम होता है, डाइजेशन में हेल्प करना, पचाने में, खाने को पचाने में हेल्प करना, तो ये भी किसका काम है, लीवर का। अब हमारे लीवर के साथ ये छोटा सा एक थैला सा बना हुआ है, छोटू सा, है ना, तो इसका ये इसको क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर।
गॉल ब्लैडर का क्या काम है? गॉल ब्लैडर जिसको हम लोग पित्ता भी बोलते हैं, ठीक है, तो गॉल ब्लैडर का क्या काम होता है? गॉल ब्लैडर जिसको हम लोग पित्ता बोलते हैं, इसका काम होता है स्टोर्स एंड कंसनट्रेट बाइल्स, जो बाइल लीवर में प्रोड्यूस हो रहा है उसको ये अपने अंदर स्टोर करके रखता है। और बाइल का क्या काम होता है? बाइल जूस जो होते हैं, बाइल जो एक तरह का फ्लूड है, वो हमारे डाइजेशन में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसको हमारे खाने को डाइजेस्ट करना, ठीक है। तो बाइल कई बार क्या होता है कि हमारे गॉल में स्टोन हो जाता है, जिसको पथरी बोलते हैं, पित्ते में पथरी हो जाना, ठीक है। तो गॉल स्टोन गॉल ब्लैडर में जब होता है तो कई बार डॉक्टर्स क्या करते हैं, फिर डॉक्टर्स इसको काट देते हैं, अलग कर देते हैं, ताकि हमारा बाकी जो हमारे साथ वाले ऑर्गन्स हैं, स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज, ये सारे जितने भी हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो बच जाएँ ख़राब होने से। तो इसको क्या करते हैं, डॉक्टर्स काट देते हैं। तो ये चीज़ है, अगर हमारा पित्ता ही निकल गया, हमारा गॉल ब्लैडर ही निकल जाता है, तो उसमें तो बाइल स्टोर होगा नहीं, है ना। तो बाइल आएगा, बनेगा, प्रोड्यूस होगा और साथ में निकल भी जाएगा। तो बाइल तो स्टोर हुआ नहीं, तो हमारी डाइजेशन वीक हो जाएगी, है ना, हम जल्दी कुछ भी ऐसी हैवी चीज़ तो खा नहीं पाएंगे। तब भी क्या डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि जिन लोगों का गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं गॉल स्टोन की वजह से, उनको ये रेकमेंडेशन होती है, रेकमेंड करते हैं डॉक्टर्स की आप लोगों ने कोई हैवी चीज़ नहीं खानी, ठीक है। आप लोगों ने सुना ही होगा, आई थिंक आपके किसी रिलेटिव या नॉन में किसी को हुआ भी होगा, तो आप लोगों को पता भी होगा। उनको फिर हैवी चीज़ें डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि आप लोगों ने नहीं खानी, क्यों? क्योंकि वो पचा ही नहीं पाएंगे, वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये आ गया फंक्शन गॉल ब्लैडर का। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपको, ये स्टमक के साथ ब्लू कलर का, इसको बोलते हैं पेनक्रियास, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, ठीक है। इसका क्या रोल है, पेनक्रियास का क्या रोल होता है? पेनक्रियास एक्चुअली ऑर्गन नहीं है, पेनक्रियास इज़ अ ग्लैंड, ठीक है। पेनक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड और लीवर, ये तीनों ग्लैंड्स होती हैं जो हमारे उसमें प्रेजेंट होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। और इनका क्या काम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, इनका काम होता है कि अपने एंजाइम्स को प्रोड्यूस करना, ओके। तो जो पेनक्रियास है, हॉर्मोन्स क्या, इनका क्या काम है? हॉर्मोन्स रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल, जितने भी हमारे हॉर्मोन्स होते हैं ब्लड में, जो हमारे ग्लूकोज लेवल को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये किस में प्रेजेंट है? हमारे पेनक्रियास में। नेक्स्ट इसका क्या है, बाई कार्बोनेट्स न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। अब हमारे स्टमक में जो HCl प्रोड्यूस हो रहा है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वो प्रोड्यूस ही होता गया उसकी तो एक्सेस में हो जाएगा फिर, तो वो उसको कंट्रोल करने के लिए भी कोई चाहिए ना। अगर हमारी बॉडी में एसिड ही बनी जाएगा तो हमारा तो कह लो कि पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ही ख़राब हो जाना है ना। तभी कईयों का एसिड बनना शुरू हो जाता है जब वो थोड़ा सा कई हैवी चीज़ खा लेते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें पेनक्रियास में जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो नहीं होते। तो उस वजह से क्या होता है कि जो अपनी अपने स्टमक में जो HCl होता है वो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता। तो ये सारा कुछ कौन कंट्रोल करता है? हमारा पेनक्रियास, क्योंकि उसमें जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, जो स्टमक में एसिड बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये काम आ गया। उसके बाद ट्रिप्सिन एंड कैमेटोट्रिप्सिन, दो तरह के इसमें प्रेजेंट होते हैं, वो क्या काम करते हैं, प्रोटीन डाइजेस्ट करते हैं एंजाइम्स प्रोटीन को, ठीक है। अमाइलेज जो है वो डाइजेस्ट करता है पॉलीसेकेराइड को, और लिपेज डाइजेस्ट करता है लिपिड को, ठीक है। ये काम किसका आ गया, पेनक्रियास का, ठीक है। पेनक्रियास के ये इतने सारे फंक्शंस होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। फिर हमारी जो स्टमक के साथ ये जो आप देख रहे हो रेड कलर की, पिंक कलर की, पर्पल कलर की, सॉरी, ये आगे क्या आ रही है छोटी सी, ये इकट्ठी सी हुई हुई है, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये आगे फर्दर एलिमेंट्री कैनाल कहाँ आ गई, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का आगे अगर अकेला स्ट्रक्चर करो तो ड्यूडिनम, जेजिनम, इलियम, ऐसे करके इसकी लेयर्स को बोलते हैं। तो वो मैं जब डिटेल में दोबारा आपको नेक्स्ट आगे डिटेल में करवाऊंगी एक एक ऑर्गन का, तो फिर आपको डिटेल में अच्छी तरह से समझ में आ जाना है। अभी फ़िलहाल हम लोग मोटा मोटा से स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, जो मेन मेन ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस और उनका क्या रोल है, वही चीज़ करेंगे, ठीक है। तो
ये पर्पल कलर का जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल का मतलब ये नहीं कि इसका साइज स्मॉल होता है, स्मॉल का मतलब है कि इसका डायमीटर स्मॉल होता है, ठीक है। नहीं तो इसका साइज जो है वो 25 सेंटीमीटर के अराउंड होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका, क्योंकि डायमीटर स्मॉल है, ये ऐसे बिल्कुल कह लो कि इकट्ठी होके बिल्कुल अंदर होती है, तो इसलिए स्मॉल दिखती है, छोटी साइज़ में दिखती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसमें जो क्या होता है, जो ऊपर हमारी डाइजेशन हुई माउथ में थोड़ी बहुत सलाइवरी ग्लैंड की हेल्प से और नीचे स्टमक में, ठीक है, लेकिन जो कंप्लीट डाइजेशन है, ये सारे ऑर्गन्स में तो पार्शली चल रही है ना ऊपर वालों में, जो कंप्लीट डाइजेशन है वो किस में होगी, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी जो कंप्लीट, जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसकी डाइजेशन होगी कंप्लीटली, ठीक है। इसमें जो म्यूकस प्रेजेंट होएगा वो क्या प्रोटेक्ट करता है, गट वॉल, जो वॉल्स होती हैं इसकी उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे अपने खाने में उसको एब्जॉर्ब करना, जो वाटर पोर्शन होता है उसको मतलब कह लो कि एब्जॉर्ब करना, ठीक है। ये काम किसका है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का, हमारे जो खाने में जितना भी मिनरल्स हैं न्यूट्रिएंट्स हैं उसको कंप्लीट डाइजेस्ट कर लेती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, इसमें तीन तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट है, पेप्टाइडेस, सुक्रेस, अमाइलेस। ये तीनों एंजाइम, ये लिखा हुआ है मैंने साथ में, पेप्टाइडेस जो है एंजाइम वो किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन पोर्शन को, जो हमारे खाने में प्रोटीन पोर्शन होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। जो सुक्रेस एंजाइम है वो शुगर पोर्शन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, शुगर मींस कार्बोहाइड्रेट्स, जो हम लोग खाने में खा रहे हैं वो जब हमारे इंटेस्टाइन में आता है तो उसको इंटेस्टाइन में ये एंजाइम प्रेजेंट होता है सुक्रेस, तो वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो अमाइलेस एंजाइम है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, जो किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। ये हमारा सारा कुछ किस में प्रेजेंट होएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ये येलो कलर की दिख रही है आपको। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा होता है, ठीक है, लार्ज इसीलिए इसको बोलते हैं, लेकिन इसका काम थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन से कम ही है। जो कंप्लीट डाइजेशन है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो थोड़ा बहुत अगर हमारे डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में रह जाती है ना थोड़ी बहुत, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, हम लोग गन्ने का रस पीते हैं शुगर केन, है ना, तो उसमें क्या होता है कि जब एक बारी मशीन में से गन्ने हम लोग निकालते हैं या शॉप वाला निकालता है, तो एक बारी निकालिए तो सारा का सारा रस निकल गया, लेकिन वो उसको दोबारा से निकालता है ना सेकंड टाइम, क्यों, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत कसर रह गई है तो वो भी पूरी हो जाएगी। तो यही सेम एज इट इज़ इसमें होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब थोड़ी हमारी कंप्लीट डाइजेशन होगी हमारे खाने की, सारा का सारा खाना पच गया, लेकिन जब थोड़ी बहुत कसर रह जाती है तो दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन जो चलती है हमारी किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। रीअब्जॉर्ब सम वाटर एंड आइंस, वाटर पोर्शन और आइंस अगर को थोड़े बहुत रह जाते हैं तो वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो उसका ये आ गया। फिर एंड में जो हमारा क्या बच जाता है, फॉर्म्स एंड स्टोर फीसिस, जो लास्ट में वेस्ट मटेरियल जो बनता है फिर वो आके बाहर यहाँ पे निकल आता है, और कहाँ पे स्टोर होता है, नीचे जो ये बना हुआ है हमारा नेक्स्ट ऑर्गन रेक्टम, रेक्टम में आके ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जो भी हमारे फीसिस वगैरह बनते हैं जिसको हम लोग वेस्ट मटेरियल बोलते हैं, वो हमारा आके फिर यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और नेक्स्ट नीचे एनस से वो बाहर निकल जाएगा। तो ये होगी हमारी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, जो हमारी डाइजेशन होती है। तो इसमें जो बेसिकली जो बातें आई हैं, कि माउथ से लेके एनस तक क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं हम, एलिमेंट्री कैनाल में कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं और कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। ग्लैंड्स कौन कौन सी प्रेजेंट हैं, सलाइवरी ग्लैंड, ये येलो वाली सलाइवरी ग्लैंड, ग्रीनिश वाली ये जो है लीवर ग्लैंड, और नीचे ये ब्लू वाली पेनक्रियास। ये तीनों ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेस्ट करने में हमारे खाने को हेल्प करती हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, माउथ, ईसोफेगस, गॉल ब्लैडर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये हमारे आगे ऑर्गन्स, ये बनाते हैं सारे
ऑर्गेन्स प्लस ग्लैंड्स, ये हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट बनाते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका स्ट्रक्चर जो नॉर्मल जो मैंने अभी जस्ट डिराइव किया है। इसके बाद हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हर एक ऑर्गेन का, हर एक ग्लैंड का अलग से डिस्क्रिप्शन मैं आपको दूंगी, अलग से डिस्क्राइब करूंगी उसको मैं, ठीक है। फिलहाल अभी ये आपने स्ट्रक्चर्स, कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो आप देख लेना। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, ओके। तो बाकी जो एक एक करके नेक्स्ट हर एक ऑर्गन की, हर एक 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 करके जो भी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं इसमें, उसकी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको अपलोड कर दूंगी, ठीक है। फिलहाल अभी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसमें जस्ट स्ट्रक्चर्स बताया और साथ साथ में उस जो भी ऑर्गेन या कोई भी ग्लैंड है उसकी मैंने थोड़े थोड़े से फंक्शंस आपको बताए हैं कि इसका मेन रोल ये है, ठीक है। ओके बेटा जी, थैंक यू सो मच।